मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने रात के समय नाकेबंदी लगाई थी, जिसमें कई गाड़ियों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। आपको बता दें कि डीसीपी योगेश गावड़े खुद नाकेबंदी का जायजा लिया था और बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस अवैध रिक्शा ड्राइवरों पर मुंब्रा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई की है। वही गाड़ियों की रोककर चेकिंग भी किया गया है। एक टेम्पो को जब पुलिस ने रोका और उसे चेक किया गया तो इस टेम्पो के अंदर से करीब 10 से 15 आदमी बैठे हुए मिले। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग भिवंडी से आ रहे थे, जो मुंब्रा के ही रहने वाले थे ऐसा बताया जा रहा था, मगर इस तरह से एक टेम्पो के अंदर करीब इतने लोग जो बैठे हुए थे और पुलिस ने इस टेम्पो का भी चालान काटा है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NB कुल्हाटकर ने नाकेबंदी का राउंडअप करके जायज़ा लिया, क्योंकि ये नाकेबंदी जो है मुंब्रा फायर ब्रिगेड और अमृतनगर वाई जंक्शन पर लगाया गया था। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NB कुल्हाटकर ने बताया है कि नाकेबंदी जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाई जाएगी, क्योंकि अवैध रिक्शा जो है वो काफ़ी संख्या में है, बिना हेलमेट बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां चला रहे हैं और जल्द ही MM वाली रोड पर भी मुंब्रा पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। सर, आज नाकाबंदी लगाई गई है वाई जंक्शन अमृतनगर और यहाँ फायर ब्रिगेड पे, क्या किस लिए नाकाबंदी लगाई गई है और कब तक रहेगी, कितने दिनों तक? नाकाबंदी का एक हमारा उद्देश्य ऐसा है कि ये एक जनरल नाकाबंदी है, ऐसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। नाकाबंदी में क्या होता है, यहाँ पे ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं है, कोई एक एक ऑटो में 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठे जाते हैं, पब्लिक के ज़्यादा पैसेंजर होते तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी नाकाबंदी का स्पेशल ऐसा ये कुछ नहीं, लेकिन ये रेगुलर हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता रहेगा, इससे कानून के भी हेल्प हो जाएगी और पब्लिक को भी थोड़ा राहत मिल जाएगा। सर, कितनी कार्रवाई वगैरह कुछ अभी तक हुई है? अभी हम लोग 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये नाकाबंदी चालू, 1 बजे के बाद आपको बता देंगे कि टोटल कितनी कार्रवाई है। आज हमने सिर्फ नाकाबंदी का ही आयोजन नहीं किया, बल्कि हम लोग कूमिंग ऑपरेशन भी करने वाले हैं। कोई जगह पे स्टेडियम की तरफ जो बाइक राइडर्स वगैरह जोर से बाइक चलाते हैं, उसकी आवाज़ से पब्लिक को तकलीफ होता है, वहाँ भी हम लोग एक ऑपरेशन करने वाले हैं। हमारा दीवा में भी एक टीम वहाँ पर नाकाबंदी और चेकिंग चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई इलाके में जाके थोड़ा सर्च ऑपरेशन भी करने वाले हैं, ताकि थोड़ा यहाँ पे जो क्राइम है और जो नार्कोटिक्स का जो दिख रहा है उसमें थोड़ा पाबंदी लगा सके। सर, कार्रवाई जो ये हो रही है इसको लेकर काफ़ी लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एतराज़ जता रहे हैं कि हम स्टेशन पे उतर रहे हैं तो हमें रिक्शे पकड़ने की खाली काफ़ी तकलीफ हो रही है, ऐसे वजह से रिक्शा नहीं मिल रहा है हमें, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, अभी पब्लिक को भी थोड़ा हमको कोऑपरेट करना चाहिए। हम तो एक रिक्शा में 3 पैसेंजर को अलाउड है तो उसको तो हम रोक ना रही है, लेकिन अगर ज़्यादा पब्लिक जा रही है तो पब्लिक को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से तकलीफ, हम देना चाहते हैं किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन जो इलीगली है वो तो कार्रवाई करते रहेंगे।